रूलस्थ क्षेत्र के लोगों की जन समस्याओं का निस्तारण करने हेतु मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी सोनिका ने कार्रवाई करते हुए जनपद में ई चौपाल का शुभारंभ किया। इसके तहत आज त्यूड़ी में आयोजित ई चौपाल को जिलाधिकारी के निर्देशन पर बृहद रूप दिया गया। ई चौपाल में जनसुनवाई के साथ साथ विभागों के स्थापित स्टॉल के माध्यम से संबंधित अधिकारी अपनी योजना की जानकारी एवं अन्य सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं। तो जनपद देहरादून के दूरस्थ तहसील त्यूनी में ई चौपाल कम बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिलाधिकारी कैंप कार्यालय देहरादून वर्चुअल के माध्यम से जुड़े हैं, जबकि त्यूनी में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ मौके पर शिकायत सुनते हुए वर्चुअल के माध्यम से जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका के संज्ञान मिलाते हुए मौके पर निस्तारण कर रही हैं। जिलाधिकारी सोनिका जनपद मुख्यालय से ई चौपाल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित शिकायतों समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ई चौपाल में प्राप्त हो रही शिकायतों का मौके पर निस्तारण करें तथा जिन शिकायतों के निस्तारण में समय लग रहा है निर्धारित समय सीमा में निस्तारण करें। जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि एक ई चौपाल पहले भी हम लगा चुके हैं और ये दूसरी ई चौपाल है और जिसका अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ज़्यादातर शिकायतें जल सड़क आदि से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं जिनका निस्तारण भी किया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। तो सारे जिले स्तर के जितने भी हमारे अधिकारी हैं वो वहाँ गए हैं और CDO स्वयं वहाँ उपस्थित हैं और SDM हैं और DDO PD सभी वहाँ पर उपस्थित हैं और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं उनको वहीं पे सुना जा रहा है और कोशिश की जा रही है तत्काल वहीं पे निस्तारित।